खबरों में बने रहने के लिए अपना लाइव डॉट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको समाज सेवी के रूप में आपका नाम आता है बेगूसराय जिले, आपसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे आए हैं कि क्या लग रहा है 2019 के चुनाव को लेकर के, जबकि यहाँ पे तनवीर हसन भी है और कन्हैया कुमार भी है, गिरिराज सिंह भी है, तो इन तीनों में आपको क्या लगता है कि सबसे सुटेबल बेगूसराय के लिए कौन सा? देखिए, हम लोग तो बिहार में जैसे निजी की प्रचंड लहरा रहे हैं, विकास के लिए जाने जाते हैं देश विदेश में, और उसी तरह पूरे देश में मोदी का आवश्यकता है कि दोबारा आवे। 5 साल 4.5 साल कोई समय नहीं हुआ, दोबारा आए तब उनका काम जितना शुरू होगा। तो हम लोग गिरिराज जी को मजबूरी है कि देना हो, मोदी हमको चाहिए दोबारा। गिरिराज सिंह तो फायर ब्रांड कहे जाते हैं भाजपा के, क्या लग रहा है आपको किस तरह का फायर करने जा रहे हैं? देखिए, फायर करने के लिए अगर ये बनते हैं बेगूसराय से सांसद तो केंद्र में मंत्री बनने करेंगे, और बेगूसराय का विकास की जरूरत है और विकास करेंगे। कन्हैया कुमार जो आजादी ढपली बजा बजा के मांग रहे हैं, किस तरीके की आजादी चाहते हैं? कन्हैया का कहीं कोई अस्तित्व है नहीं, ये तो ठपोसला है, कहीं कुछ कन्हैया है नहीं और कन्हैया कोई जगह है भी नहीं, और उसमें तनवीर हसन और गिरिराज सिंह का, लेकिन गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी रेस में है, लेकिन जितना सीट है उतना हिंदुस्तान में ये खड़ा है, ये तो है नहीं जी। और कोई क्षेत्रीय दल हो, सब मिला के भी तो 545 का आधार नहीं रहा है जी। तो इसलिए के सशक्त अगर प्रधानमंत्री है तो भाई नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, उनमें कहीं कोई घुमा नहीं। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र में भूमिहारों का वोट बढ़ रहा है, ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, भूमिहारों का वोट कन्हैया क्योंकि कहीं कोई अति नहीं है, यानी देशद्रोह का अति लेके ये अपना चेहरा चमकाने के लिए डपली बजा रहा है, लेकिन भूमिहारों को वोट हम लोगों को अंदाजा है कि 80 से 85% वोट गिरिराज जी को मिल रहा है, इसमें कहीं से कोई घुमा। मुस्लिम में भी हम तो 40 पंचायतों का दौरा किया है, मुस्लिम समुदाय में भी मैंने बात की है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर मुस्लिम समाज में भी है, बेगूसराय के अंदर भी मुस्लिम समाज के लोग दबी जुबान से ही सही लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं, क्या कहना है? लेकिन नरेंद्र मोदी कोई जात देख के नहीं विकास कर रहे हैं, ठीक है, अरे शौचालय हो या गैस कनेक्शन हो, ये जाति देख के तो नहीं दे रहे हैं, ये तो समान वर्ग अपना सबका साथ और सबका विकास लेके चल रहे हैं। हाँ, अगर ये होता कि मोदी की चलो जाति विशेष देख के मुस्लिम है तो उसको नहीं दिया जाए, या जो भी बिजली है आज तो 70 साल से जहाँ तक नहीं पहुंची है वहाँ वहाँ आज मोदी 4.5 साल में काम करने का काम किए हैं, और 10 करोड़ उज्ज्वल योजना के तहत ये स्वास्थ्य बीमा 5 लाख गरीब गुरबा को जो है योजना देने का काम किए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सर, एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, आपके जानकारी में होगा भी, साहेबुल कमाल विधानसभा में एक क्षेत्र आता है, जगह आता है, गांव है नवटोलिया, उस गांव में 10 बीघे फसल में आग लगी है,
ना कोई पदाधिकारी मिलने गए किसान से, ना कोई राजनेता को अपनी खेती से फुर्सत। वो तो अपनी अपनी जिनका जैसा सोचे जाना चाहिए, कोई भी रहे पार्टी दल में रहे नहीं रहे उसे उठके भी कोई भी अप्रिय घटना होता है वहाँ जाना अनिवार्य होना चाहिए, जाना चाहिए। तो ये बात मुखिया जी ने कहा कि निश्चित रूप से अगर किसान के साथ इस तरह की अप्रिय घटना हुई है तो पदाधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और राजनीतिक दल को तो निश्चित रूप से समाज सेवा की भावना को लेकर के उनके साथ खड़े होना चाहिए। सर 2019 का चुनाव सामने सर पे खड़ी है, क्या लगता है आपके क्षेत्र में किसका बोलबाला ज्यादा है? देखिए 2019 की जो चुनाव होने जा रहा है इस पर बेगूसराय लोकसभा से 3 उम्मीदवार मुख्य रूप से हैं, NDA के गिरिराज सिंह हैं और UPA के तनवीर डॉक्टर तनवीर हसन जी हैं और कम्युनिस्ट पार्टी से कन्हैया सिंह हैं। तो यहाँ हम लोग का जो अभी सामने आ रहा है मतदाता से, या हम लोग भी इधर उधर घूमते हैं तो लग रहा है जो NDA और UPA दोनों का सेम वोट है, बराबर है। टक्कर NDA और महागठबंधन में कन्हैया कुमार भी कहीं दूर दूर तक हमको नजर नहीं आ रहा। ऐसे अब प्रत्याशी अपना अपना, लेकिन उन्होंने तो नॉमिनेशन में पूरा दमखम दिखाया। हाँ दिखाए हैं, लेकिन हमको लगता है नॉमिनेशन में जितना दमखम है हमारा जो लग रहा है, हमारा मानना है उतने वोट होगा जितना नॉमिनेशन में था, लमसम उतना ही उनका वोट मिलने वाला है। हम किसी को विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम जिला में घूरते हैं, पंचायत में घूरते हैं। आपको क्या लगता है कि बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में किस प्रकार के MP की आवश्यकता है? ये जो 3 चेहरे हैं, इन तीनों चेहरे में द बेस्ट कौन? यहाँ से 3 ही चुनना है, अभी तो 3 उम्मीदवार, चौथा तो आ नहीं सकते। तो 3 उम्मीदवार में हमको लगता है डॉक्टर तनवीर हसन, हमको जो मानना है हम मानते हैं डॉक्टर तनवीर हसन जी का यहाँ जरूरत है, डॉक्टर तनवीर हसन का जरूरत है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं उसको पंचायत में कहां तक आप लागू कर पाए हैं और कितनी संतुष्टि मिली है आपको? लागू तो हुआ है लेकिन संतुष्टि नहीं हुआ है, संतुष्टि हम नहीं मानते। सरकार जो ये 7 निश्चय वाला जो योजना चलाए हैं उसमें प्रक्रिया जो लगाए हैं वार्ड सदस्य से लेकर प्रखंड तक, इसमें जितना टेबुल बना गया है वो खतरा ही खतरा पंचायत के लिए महसूस हो रहा है। अधिक ऐसा है जो 7 निश्चय वार्डर के जो अधिकार दिया गया है उसमें भी आम आवाम के वो सचिव चुना जाता है। शौचालय वगैरह की क्या है? शौचालय तो बना और उसमें कमीशन कितना चल रहा है? कमीशन तो नहीं, शौचालय में कमीशन हमने ख्याल से अभी नहीं ले लिया जा रहा है। हम लोग अपने टाइट हैं, पंचायत के लोग भी, जनप्रतिनिधि और जो भी हमारे समाज के आवास योजना में आप कहीं लेता होगा ये हमको पता नहीं है, लेकिन हमारा पंचायत में यहाँ आवास योजना में पैसा नहीं दिया जाता। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण भोजन की सरकार के दावे कहाँ तक आपको सच दिख रहे हैं? 10% आपके पंचायत में? हाँ 10% से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि शिक्षक लोग हैं अपने खुद पढ़ा लिखा नहीं है तो वो बच्चा क्या शिक्षित कर सकता है, थाली लेकर थाली पीटते रहता है
शिक्षक लोग कुर्सी पर टांग पर टांग देकर बैठल रहता है, क्या आज इतना भी शिक्षक लोग है उसका स्वयं अपना भी बाल बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता, वो अलग दूसरे कॉन्वेंट में प्राइवेट में पढ़ाता है, लेकिन आम आवाम को गरीब बुढ़वा के बच्चा को बर्बाद कर रहा है।